हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो प्लांट अपने गार्डन का शेयर कर रहा हूं उसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स। तो इस प्लांट का नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स। ये एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बाकी सैकुलेंट प्लांट से ये थोड़ा इजी टू ग्रो है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी ग्रो करने में, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो इसको अगर हम लगाने का जो मिट्टी है जिसमें ये प्लांट लगाना है वो नॉर्मल आप कोई भी गार्डन सॉइल है उसमें लगा सकते हैं, और फर्टिलाइज़र आपको DAP हल्का सा डाल दें तो भी चलेगा। और पानी की अगर बात करें तो इसको वीकली में, एक हफ्ते में एक बार आप पानी डालें तो बहुत है। ज़्यादा पानी से इसके जो लीव्स हैं वो गल जाएंगे, ये ख़राब हो जाएगा प्लांट। तो गर्मियों में आपने क्या करना है, इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, और विंटर्स में आपने इसको धूप में रखना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा डालेंगे शाही में रखेंगे तो ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लीव्स हैं इसके साइड में जो ये कांटे कांटे लगे हुए हैं, यहाँ पे इसके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं। यहाँ से एक पत्ते में ऐसे बेबीज़ निकलते हैं जैसे आप देख रहे हैं अभी, छोटे छोटे। ये एक पत्ते में 20-25 बेबीज़ होते हैं इसके, इसलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने पत्ते हैं, और एक में 20 होंगे तो सारे पत्तों में देखो कितने होंगे। ये एक लीफ से जैसे हम ग्रो कर सकते हैं, जहाँ जो इसके बेबीज़ होते हैं ये जब नीचे गिरते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉट में गिरे हुए हैं, तो ये पॉट में जब गिर जाते हैं तो एक नया प्लांट बन जाता है। ये आप देखिए अभी इसमें ये नीचे गिरा था तो अभी इसमें रूट डेवलप हो गई हैं, तो ये एक नया प्लांट बन जाएगा। ये हफ्ते में रूट डेवलप कर लेता है जो इसका बेबी, ये गिरता है नीचे। तो इसलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स कहते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे बेबीज़ होते हैं। जैसे आप ये पॉट में देख रहे हैं ये सब इसके एक प्लांट के ही हैं ये। तो इससे आप 100, 200, 300 जितने मर्जी आप प्लांट रेडी कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी ये सैकुलेंट प्लांट के बारे में। बहुत इजी टू ग्रो है, आप भी ग्रो करें अपने गार्डन में, ये कोई जगह भी ज़्यादा नहीं यूज़ होएगी इससे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, खुश रहें।